नागरिक संशोधन कानून के समर्थन में आज गया शहर के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एकजुट होकर भव्य जुलूस निकाला गया। उस दौरान सीएए के समर्थकों ने पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जिंदाबाद के नारे लगाए और समर्थकों ने बताया कि यहां के एक समुदाय के लोगों को किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। विपक्ष दल उन्हें बरगराह कर हिंदू मुस्लिम में बांटना चाह रही है। हम आज लोग भव्य रैली निकालकर यह संदेश देना चाह रहे हैं कि हम लोग सभी एकजुट हैं। एनआरसी और सीएए से यहां के लोगों के लिए नागरिकता खत्म होने के सवाल पर कोई कठिनाई नहीं है। सीएए एवं एनआरसी के समर्थन में आज गया के तमाम बुद्धिजीवी सड़क पर हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह से सीएए को लागू किया गया उस तरह से एनआरसी को भी सरकार अविलंब लागू करे। इस मांग को लेकर आज हम लोग तमाम गयावासी सरकार को एक संवाद देने आए हैं और हम कहना चाहते हैं कि जो बिल का विरोध जो कांग्रेस पार्टी में अंत दल कर रही है, 2004 में कांग्रेस ही का सीएए भी लाया हुआ था बिल, जिसको वर्तमान के सरकार ने लागू करने का काम किया है और देश में जिस तरह से अल्पसंख्यकों को बरगलाने का काम कांग्रेस पार्टी एवं अन्य दलों के द्वारा किया जा रहा है, ये दुर्भाग्य का विषय है। और सरकार ने जो बिल लाया है ये देश हित का मामला है और इसमें तमाम भारतवासी को एकजुट रहने की जरूरत है, जिससे कि हमारा बाह्य और आंतरिक सुरक्षा पर किसी तरह का कोई खतरा न हो। आज इसके समर्थन में तमाम गयावासी के जितने भी बुद्धिजीवी हैं सब सड़क पर आके सरकार से अविलंब मांग कर रहे हैं कि देश हित में एनआरसी को अविलंब लागू करने का काम किया जाए। ये बिल जो लाया गया है, बिल का बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं, इस बिल से क्या आपका? बहुत सारे लोग विरोध नहीं कर रहे हैं इस बिल का, इस बिल का विरोध वही कर रहा है जो नहीं चाहता कि सरकार जो केंद्र में वर्तमान की सरकार है वो देश हित में काम करे, वो नहीं चाहता है, रोकना चाहता है। लेकिन जो वर्तमान की सरकार ने जो संकल्प लिया है कि देश को हम मजबूत बनाने का काम करेंगे और मजबूत के हित में ये बिल लागू किया गया सरकार के द्वारा, और हम कहना चाहते हैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कि यहाँ के मुसलमानों को भी बरगलाने का काम किया जा रहा है यहाँ के कांग्रेस पार्टी एवं अन्य दलों के द्वारा, उनको भी बरगलाने की जरूरत नहीं है। देश के वो भी नागरिक हैं, पूरी तरह से गृह मंत्री का भी बयान इस पर आया है, तमाम नेताओं का बयान आया है, इसमें मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये बिल देश हित का है और देश के निवासी वो भी है, इसलिए समान अधिकार उनका भी है। इस बिल को लेकर आज प्रधानमंत्री भी रामलीला मैदान में, दिल्ली के रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या लगता है इस रामलीला मैदान के सभा के माध्यम से लोगों को ये संवाद आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है, इस बिल से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, ये बिल देश हित में है और जो भी देश के नागरिक हैं उनको पूरी तरह से इस बिल का समर्थन करना चाहिए। क्या करें आज इतना हुजूम आज पूरे भारत देश में सीएए के, आज जो भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट में पारित किए, एक राष्ट्र एक देश और जो भी भारत देश में ये जो पारित हुआ है नागरिकता अभियान, आज जो है रोड पर आ करके जनता को गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं। मैं समझता हूँ इस तरह से साजिश रचना नहीं चाहिए, शांति बरकरार समझाने की आवश्यकता है, एक को समझाने की आवश्यकता है। नागरिकता जो है, हम लोग भारत देश का नागरिक है, हम लोग का नागरिकता खत्म नहीं होगी। इस पर जो लागू हुई है, जो पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, अफगानिस्तान में है, उन लोग का एक बकाहट हो रही है। जो हमला यहाँ पर ही आ करके जो विदेशी लोग रह गए हैं उस पर लागू होगी, ये नहीं कि भारत देश के मुसलमान पर लागू होगी।